वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे। मैं भी अब बहुत बेटर फील कर रही हूँ। आज है 27 मई, मेरी डिलीवरी को 1 वीक हो चुका है एंड आई एम ऑन माई जर्नी ऑफ रिकवरी। अब धीरे धीरे करके मुझे बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हो रहा है एंड आज मेरा कोविड वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लगने वाला है। मैंने अपने सब डॉक्टर्स से कंफर्म करने के बाद डिसाइड किया है कि मैं आज कोविड वैक्सीनेशन लूंगी। व्हाइल आई वाज इन द हॉस्पिटल मैंने अपने OBGYN से पूछा था कि मैं कब वैक्सीनेशन ले सकती हूँ। उन्होंने बोला एज सून एज यू फील कंफर्टेबल जस्ट गो अहेड एंड गेट वैक्सीनेटेड। अभी मंडे को अहान का फर्स्ट डॉक्टर्स विजिट था तो मैंने उसके पीडियाट्रिशियन से भी पूछा था क्योंकि ही विल बी द वन हु विल बी मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ माई वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि जब भी तुम कंफर्टेबल हो जस्ट गो अहेड एंड गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि आपकी बॉडीज जो एंटीबॉडीज बनाएंगी वो ब्रेस्ट फीड के थ्रू बेबी को भी एंटीबॉडीज मिल जाएंगी। सो इट इज गुड कि आप एज सून एज पॉसिबल वैक्सीनेट हो जाओ। तो मैं फाइजर वैक्सीनेशन लेने वाली हूँ। कल मैंने अपने मोबाइल पे बस वॉलग्रीन ऐप डाउनलोड किया और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराई। मैं हमारे घर के पास ही वॉलग्रीन है, वहीं पे मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो बस अभी हम लोग जाने वाले हैं। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। What a beautiful day! I can't believe to enjoy the view. मेरा केशव भी शोर है बिकॉज वो थक गए थे ना। Babies can't talk, babies can't walk, so babies do sleep. आज अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ठंडा हो गया है। मैं अपना हेड कवर करके आई हूँ क्योंकि ठंड नहीं लगनी चाहिए सर में ना इस टाइम पे। तो बस अभी जाके चेक इन करती हूँ और आपको अपना इंश्योरेंस कार्ड और ID प्रूफ चाहिए होता है, दैट्स इट। तो बस अभी चलते हैं और जो भी प्रोसीजर है वो मैं शेयर करती हूँ। ओके, सो चेक इन करने के बाद मुझे ये कुछ पेपर वर्क मिला है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग कोविड वैक्सीनेशन, ये आप रीड कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे ये फॉर्म फिल करना है। और अगर आप वॉलग्रीन से वैक्सीनेशन कराते हैं तो इस तरीके का आपको $5 का कैश रिवॉर्ड मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। और यहाँ पे जो ये पेन्स मिल रहे हैं ना, ये भी सैनिटाइज करके क्लीन करके अलग से रखे हुए हैं, सो यू कैन यूज दिस टू फिल द फॉर्म। पेपर वर्क सबमिट कर दिया है, अब वो लोग खुद से कॉल करेंगे वैक्सीनेशन के लिए। ओके, सो फाइनली फर्स्ट डोज हो गई है। ये मुझे कार्ड मिल गया है जो मुझे अपने सेकेंड वैक्सीनेशन वाले दिन लेकर आना है। एंड मैंने अपने लेफ्ट आर्म में लिया बिकॉज आई एम राइटी, तो मुझे लगा लेफ्ट काम अगर शोर भी होगा तो दैट विल बी फाइन, एटलीस्ट आई विल बी एबल टू वर्क। आई स्टिल रिकॉल द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू। मैं कोर्ट हाउस में आया हूँ अहान का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो इट टेक्स लाइक 6 or 7 weeks एटलीस्ट, कॉस्टली भी है, यहाँ पर हाथों हाथ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं अभी अभी बाहर आया हूँ कोर्ट हाउस के। सॉरी, अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, कैमरा एंड फोन्स आर नॉट अलाउड। बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया है, क्या स्मूथ प्रोसेस है, टुक मी हार्डली 5 मिनट्स। चलिए चलते हैं गाड़ी में बच्चों के पास। गोविंद, आप मैगी खा रहे हो, थोड़ी सी मैगी केशव को भी दे दो। बेबीज कैन वॉक, वो बेबी है, बेबीज कैन टॉक, बेबीज कैन वॉक, बेबीज कैन ईट। क्यों? बिकॉज बेबी ड्रिंक मिल्क ओनली। और नहीं, वो देखो रो रहा है, वो कह रहा है मुझे थोड़ी सी मैगी खानी है गोविंद भैया की। ओ ओ, बेबीज कैन ईट। अच्छा, तो कब खाना शुरू करेंगे? हेलो दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे, मुझे वैक्सीन लिए हुए 22 आवर्स हो गए हैं। मैंने कल 11 बजे वैक्सीन ली थी और आज अभी मॉर्निंग का 9 o'clock हुआ है। तो मैं आपको अपना हेल्थ अपडेट दे देती हूँ। वैक्सीन लगवाने के बाद तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ काफ़ी देर तक। इनफैक्ट शाम को धीरे धीरे मुझे सोरनेस होने लगी हाथ में और रात आते आते हाथ काफ़ी हैवी हो गया और बहुत ज़्यादा सोरनेस थी। मतलब इतनी ज़्यादा सोरनेस थी कि मैं अहान को गोदी भी नहीं ले पा रही थी, इस हाथ से होल्ड भी नहीं कर पा रही थी। और साथ में चिल्स चढ़ने लगे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत शिवरिंग हो रही है, बहुत ठंडा हो रहा है। तो आप देख सकते हो इतना मोटा सा एक ये जैकेट पहन के, शॉल पहन के और मोटा ब्लैंकेट लेके मैं पूरी रात सोई हूँ। टेलेनॉल लिया था मैंने, तो फीवर तो नहीं है, फीवर मैंने मेजर कर लिया, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, बट चिल्स बहुत चढ़ रहे हैं और बॉडी एक बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल का बॉडी एक हो रहा है मुझे। और आज मॉर्निंग में जब उठी तब भी बहुत वीकनेस लग रही थी, ऐसा लग रहा था पैरों से चला नहीं जा रहा, बॉडी एक बहुत ज़्यादा है। तो उठने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अभी एक और टेलेनॉल लिया है। टेलेनॉल इज़ अलाउड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी और प्रेगनेंसी में भी टेलेनॉल अलाउड होती है डॉक्टर्स से। तो बस यही है, आज मैं बहुत रेस्ट करूंगी। कल भी मैंने रेस्ट किया था क्योंकि उन्होंने बोला था
रेस्ट एज मच एज यू कैन एंड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, वाटर बहुत लो. तो ये मैं आजकल ना जीरा इन्फ्यूज्ड वाटर ले रही हूँ. इससे कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है और आपको फ्लूइड्स तो चाहिए ही होते हैं बॉडी में अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए. तो बस ऐसे ही है, अभी काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं हम लोगों की. मेरी आंखों में एकदम नींद भरी हुई है क्योंकि बेबी का एम पीएम सब अभी मिक्स मैच हो रखा है. वो जब सोता है जब जागता है अपने मन से होता है. अभी वो सुबह होते ही ना 7 बजे जैसे ही 6-7 बजता है वो एकदम ऐसे शांति से सो जाता है. आप नगाड़े भी बजा लो तब भी नहीं उठेगा. और रात में जैसे ही 11 बजेंगे वैसे ही उसकी मॉर्निंग हो जाती है और आप रूम की लाइट भी नहीं बंद कर सकते क्योंकि वो रोने लगता है. तो पूरी रात हम लोगों की आजकल ऐसे ही चल रही है. और ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसा ड्यूटी बांध लें कि एक रात मैं एक रात अंशुल देखें. हम लोग दोनों ही साथ में ही फिर हर चीज़ करते हैं. तो हम लोग दोनों ही बैठे रहते हैं बेबी के साथ पूरी पूरी रात. तो यही है लाइफ अपडेट. अभी सो रहा है अपने क्रिब में मेरे पास. गोविंद बाहर खेल रहा है और अंशुल किचन का काम कर रहे हैं. तो कुछ इस तरीके से लाइफ चल रही है. थोड़े टफ डेज हैं न्यू बॉर्न के साथ यार. हर चीज़ करना, मैनेज करना, घर के काम करना थोड़ा टफ हो जाता है. बट ये फेज़ है, निकल जाएगा. रूटीन हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, होपफुली जल्दी हो जाएगा. एक महीना तो लगता है न्यू बॉर्न के साथ आपको भी एडजस्ट होने में और न्यू बॉर्न को आपके साथ एडजस्ट होने में. तो ये था हेल्थ अपडेट. मैं थोड़ा सा अब रेस्ट करती हूँ, फिर थोड़ा बेटर फील होंगी तो मैं फिर से आप लोगों से बात करूँगी. अभी लॉन्ड्री होकर आई है, कपड़े इतने सारे हैं जो अभी हमें फोल्ड करने हैं. अभी आहान सो रहा है, गोविंद गए अपने फ्रेंड के घर पे खेलने. आज बारिश का मौसम हो रखा है, सुबह से काफी ज्यादा ठंडा है. तो बस अभी यही सब चल रहा है. और हेल्थ अपडेट ये है कि मैंने सुबह टायलेनॉल लिया था, उसके बाद आई वॉज ओके फॉर 6 आवर्स. फिर दोपहर में 2 बजे के अराउंड मुझे फिर से चिल्स पड़ना शुरू हुए थे. मुझे ऐसा लग रहा था फीवरिश है, पूरी बॉडी शिवर कर रही थी. मैंने फिर से टायलेनॉल लिया, मुझे लंच भी ठीक से नहीं किया गया. टेलेनॉल लेके मैं सो गई और उठते ही 5 बजे अंशुल ने मुझे गर्मा गर्म चाय दी क्योंकि बहुत हेडेक भी हो रहा था. और मैंने पराठा खाया. अब मैं एकदम कंफर्टेबल फील कर रही हूँ. फार्मासिस्ट ने मुझे बोला था वैसे 24 to 48 hours माइल्ड कोविड सिम्टम्स जो होते हैं ना वो आपको आ सकते हैं. मुझे हल्का सा कफ भी फील हो रहा है बट आई गेस आज रात या कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी. अगर आप लोग भी किसी भी कंट्री में रहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लें कि आप वैक्सीन ले सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है या फिर प्रेग्नेंट है. तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, मैंने अपने OBGYN एंड पीडियाट्रिक्स दोनों से पूछा था कि मैं कब वैक्सीन ले सकती हूँ. तो दोनों ने ही मुझे बोला था गो अहेड विद द वैक्सीनेशन एज सून एज यू फील कंफर्टेबल. तो मेरा फर्स्ट डोज हो गया है. अब सेकेंड डोज है 17 June को और उसके 14 days बाद आई विल बी लाइक फुल्ली वैक्सीनेटेड. सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड एंड प्लीज गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड अगर आपके डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं. तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना सारे क्विक अपडेट्स के लिए. और मैं आगे आने वाली वीडियोज में बहुत कुछ शेयर करूंगी, अपना बर्थ व्लॉग शेयर करूंगी, आहान की पिक्चर्स में डेफिनेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. अभी बेबी बहुत छोटा है और हम लोगों में ना 15-20 days बेबी का फेस नहीं दिखाते हैं, बहुत ज्यादा फोटोज वगैरह हम लोग नहीं शेयर करते हैं. होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे. उसके बाद मैं डेफिनेटली सब फोटोज आपको दिखाऊंगी और शेयर करूंगी. तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको एक और वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.